हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोवर हैं, सबसे पहले उनको थैंक्स, क्योंकि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना अप्रिशिएट किया। नए यूट्यूबर के हिसाब से मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा इतनी जल्दी ग्रो मिला है, मैं यकीन नहीं आया मुझे सच में। डे बाई डे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, तो थैंक यू गाइज, सबको मेरा थैंक्स, हाथ जोड़ के सलाम। और चलो आज आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। कई लोगों ने मेरे इनबॉक्स में कमेंट किया है कि प्लीज़ सर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए वर्कआउट बताइए सर प्लीज़। तो आज उन्हीं लोगों के लिए, हेल्प के लिए आज हम थोड़ा सा बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट करेंगे। तो प्लीज़ गाइज, रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है ये आपकी छोटी सी हेल्प से किसी का भला हो जाए, क्योंकि आजकल के इतने सारे कोच आ गए हैं जो कि ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान इस तरीके का बांट रहे हैं कि एक हफ्ते में एक इंच बढ़ाओ, दो हफ्ते में दो इंच बढ़ाओ। ऐसा हो सकता है क्या यार? जो ज्ञान बांट रहा उससे पूछो कि आपने कितना बढ़ाया अभी तक। तो प्लीज़ गाइस, मैं तो ऐसा ज्ञान नहीं बांटने वाला, हालांकि मुझे ज्ञान भी नहीं है। मैं अपना जो प्रैक्टिकल मैं खुद करता हूँ 12-13 सालों से जो कर रहा हूँ, और मैं तो आपको पता ही होगा जो नहीं जो जानते हैं अच्छे से मुझे, तो मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी रेडी करता हूँ। तो ऐसा नहीं होता गाइस, प्लीज़ इस तरह के भ्रम में मत रहिए कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ कि एक हफ्ते में या एक महीने में, नहीं। ये सालों की तपस्या है तब जा करके आपको सक्सेस मिलेगी। और एक चीज़ और इसके अंदर देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो जिम का रोल है ना, वो सिर्फ 30% है, बाकी है आपकी डाइट। मैंने आप पहली वीडियो में भी बोला है, आप जैसा खाते हैं वैसा बनते हैं। तो जब आपको मसल ग्रो करना होगा तो आपको हाई प्रोटीन पे जाना होगा, हाई कार्बोहाइड्रेट पे जाना होगा, फैट परसेंटेज 30-40 रखनी होगी। अब आ जाते हैं कि हमें प्रोटीन किस हिसाब से लेना है। सपोज़ मान लीजिए आपका बॉडी वेट 70 kg है, तो आपको कितना प्रोटीन टेक करना है। तो सबसे पहले आप एक कैलकुलेटर लीजिए, उसमें कैलकुलेटर में करना क्या होगा, देखो एक किलो में आपको बता दूँ, एक किलो में आपका 2.2 pounds होता है। तो आप अपना 70 kilos पे हो, 2.2 से कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका कैलकुलेशन आता है, फिर उसको 1.5 से इनटू कर दीजिए। इनटू करने के बाद जो आपका एक्चुअल आता है वेट, उस हिसाब से आपको उतना प्रोटीन इनटेक करना है अगर आपको मसल ग्रो करना है तो। और ये प्रोटीन आपको डेली इनटेक करना है, और सेम रेशो आपका कार्बोहाइड्रेट का रहेगा सेम। यानी आपको हमेशा जो भी अपनी डाइट लेनी है वो आपको नाप तोल के लेनी है। और ऐसे ही फैट में आ जाते हैं, तो फैट मीन्स आपका ये नहीं कि घी मक्खन ये सब नहीं, सैचुरेटेड फैट। आप नट्स ले सकते हैं, बादाम अखरोट बहुत सारे आते हैं, तो ये भी ज़्यादा नहीं लेना। देखो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा भी खाना भी खाएंगे ना तो वो भी आपको हार्मफुल है। तो प्लीज़ आप लिमिट में लीजिए तो हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आज के वर्कआउट पे कि आज हम वर्कआउट में करेंगे क्या। तो मैं वही शेयर करूँगा जो मैं खुद करता हूँ या कराता हूँ अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी स्टैंडिंग बारबेल कर्ल, सेकेंड होगी इंक्लाइन अल्टरनेट डंबल कर्ल, जो कि आपको इंक्लाइन पे लेट के करनी होती है। उसमें होता क्या है कि करते तो बैठ के भी हैं और इंक्लाइन पे लेट के, इंक्लाइन पे लेटने पे के बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी एक जगह स्टे रहती है और मसल कनेक्शन जो है भरपूर रहता है। भरपूर मीन्स आपका माइंड कनेक्ट रहता है आपके मसल से। अब आप सपोज अगर आप बैठ के मारें तो पूरा जर्क आता है उसके अंदर, जब आप इंक्लाइन पे चलेंगे तो आपका जर्क नहीं आएगा, एग्जैक्ट आपके बाइसेप पे लोड आना चालू हो जाएगा। तो मेरे जो फेवरेट है, मैं अपना इंक्लाइन करता हूँ। फिर थर्ड एक्सरसाइज होगी मेरी ऑल्टरनेट हैमर कर्ल, जो कि आपको खड़े होकर करना होगा, वो मैं आपको देखिएगा वीडियो में मैं कैसे करूँगा। उसके बाद होगी हमारी रिवर्स रॉड, जो कि थोड़ी बहुत बाइसेप पे लोड डालती है, थोड़ा बहुत आपके फोरआर्म पे, क्योंकि आपके फोरआर्म स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप वेट लिफ्ट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ फोरआर्म में भी आपके पावर होनी चाहिए, स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, तभी आप अच्छा बेंच प्रेस कर सकते हैं, अच्छा शोल्डर प्रेस कर सकते हैं, लाइन ट्राइसेप्स करते हैं। तो आप प्लीज़ फोरआर्म भी कीजिए। और फिर ऐसे ही हम अगर आ जाते हैं ट्राइसेप पे, तो जो मेरी जो मैं करना पसंद करता हूँ, जिससे कि मेरी बाइसेप हमेशा शेप में रहते हैं और गुड लुकिंग रहते हैं। तो मैं अब आ जाते हैं हम ट्राइसेप मसल एक्सरसाइज पे। तो ट्राइसेप में मैं जो करना पसंद करता हूँ, सबसे पहले मेरी एक्सरसाइज होती है पुली पुश डाउन, जिसमें मैं अपना धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको कि लाइट वेट से स्टार्ट करना है, जिससे कि आपके एल्बो में इंजरी ना हो। सेकेंड होती है मेरी डंबल ओवरहेड प्रेस, जो कि बैठ के होती है, जो कि वीडियो में आप देखना। फिर करता हूँ मैं अपना लाइन ट्राइसेप्स, फिर उसके बाद लास्ट में जो मेरा फाइनल सेट होता है उसमें मैं अपना बेस्ट देता हूँ और अच्छे से हैवी वेट लगाता हूँ पुली पुश डाउन के अंदर। यानी कि पहले जो किया, पहले तो किया मैंने वो, मगर वो वार्म अप के लिए था। सेट वाइज मैं एंड में करना पसंद करता हूँ।
शेयर कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं आगे किस पे वीडियो बनाऊं प्लीज़ तो मुझे सजेस्ट भी कीजिए। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ होती हैं तो देखो मैं तो एकदम नया हूँ यार, अभी मुझे इतना नहीं मालूम है, नया हूँ, तो प्लीज़ आप सजेशन भी दे सकते हैं मुझे। मैं बुरा है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मेरे को जिससे किसी से मुझे सीखने को मिलता है तो मैं उसको कैच करता हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।